वेलकम टू क्रक्सवेल, मैं सुनील अत्री। आज हम आपको अपना हमारा एक प्रोडक्ट आर्क 600 एम्पियर वेल्डिंग मशीन का अनबॉक्सिंग, मशीन के साथ में कंपनी क्या क्या प्रोवाइड करती है वो, और उसकी फंक्शनिंग और इंस्टॉलेशन और उससे वेल्डिंग करके दिखाएंगे। ये हमारी आर्क 600 एम्पियर वेल्डिंग मशीन है। ये इसके साथ वेल्डिंग होल्डर है और ये अर्थिंग क्लैंप है। ये मशीन का इनपुट केबल है जो कि मशीन के साथ में आता है। मशीन में ये वोल्ट मीटर है जहाँ से आपको वोल्टेज शो करेगा। ये करंट मीटर है जो एम्पियर में आपको शो करेगा। ये मशीन में हॉट स्टार्ट का नॉब है जो आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये आर्क फोर्स का है। आर्क फोर्स जब आपको किसी भी मेटल में कि मेटल की थिक शीट में आपको ज़्यादा पेनिट्रेशन चाहिए तो आप आर्क फोर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से ये नॉब करंट एडजस्टमेंट का नॉब है। ये आपका ऑन ऑफ का टॉगल स्विच है। ये आपका रिमोट सेंटर में आप रखेंगे तो ये रिमोट का ऑन ऑफ का है टॉगल स्विच। यहाँ आपका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। इसमें हम अर्थिंग होल्डर और अर्थिंग क्लैंप और वेल्डिंग होल्डर कनेक्ट करेंगे। ये सेंटर में 3-पिन सॉकेट है। इसमें आप रिमोट अटैच कर सकते हैं। जैसे आप वेल्डिंग कहीं दूर कर रहे हैं और आपको रिमोट से ही करंट और वोल्टेज करंट एडजस्ट करना है तो आप ये रिमोट के द्वारा आप एडजस्ट कर सकते हैं। मशीन के बैक साइड में MCB है मशीन को ऑन ऑफ करने के लिए, और बैक साइड में मशीन के एक मैश है कि जो कि आपके फैन के लिए है, वो मशीन को कूल रखने के लिए। अब हम आपको इसमें 3-फेज कनेक्शन करेंगे और मशीन को स्टार्ट करके आपको उसके और फंक्शंस बताएंगे और फिर आपको हम वेल्डिंग करके दिखाएंगे। अब हम आपको अर्थिंग क्लैंप और वेल्डिंग होल्डर का कनेक्शन बताएंगे। अर्थिंग क्लैंप, ये अर्थिंग क्लैंप है, इसको हम माइनस में कनेक्ट करेंगे। ये वेल्डिंग होल्डर है, इसको हम प्लस में कनेक्ट करेंगे। ये हमारे कनेक्शन हुए वेल्डिंग होल्डर और अर्थिंग क्लैंप के। बैक साइड से हमने मशीन का MCB ऑन किया। अब ये मशीन आपकी ऑन हो गई। यहाँ से आप करंट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आप मेटल की थिकनेस और कौन सी रॉड यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से आप इसको करंट एडजस्टमेंट 600 एम्पियर तक। ये मशीन इसमें ये पहला फंक्शन जो मैंने पहले आपको बताया, ये हॉट स्टार्ट का है। हॉट स्टार्ट आप यूज़ कब करेंगे, जब आपका कोई भी मटेरियल जिस पे आप वेल्ड कर रहे हैं ज़्यादा रस्टेड है, तो उसमें जब आप वेल्डिंग होल्डर से या रॉड से जब वेल्डिंग करेंगे तो वेल्डिंग पकड़ता नहीं है, तो आप इसको हॉट स्टार्ट में आप इसको इंक्रीज करने के बाद में आपको उसमें रस्टेड मटेरियल होगा, उस पर वेल्डिंग होनी शुरू हो जाएगी। आर्क फोर्स आप यूज़ करेंगे पेनिट्रेशन के लिए। आपको ज़्यादा पेनिट्रेशन चाहिए वेल्डिंग का तो आप आर्क फोर्स इंक्रीज कर सकते हैं। ये जैसा मैंने आपको बताया, ये करंट के लिए है, डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल थिकनेस, प्लेट और यह एंगल, और आप रॉड कौन सी वाली यूज़ कर सकते हैं, कितने mm की वेल्डिंग रॉड यूज़ कर रहे हैं। ये रिमोट ऑन ऑफ का फंक्शन है। जब आप रिमोट पे यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप ऑन रखेंगे, विदाउट रिमोट पे ऑफ पे रखेंगे। ये इसमें
इनबिल्ट वीआरडी है और वीआरडी का ये ऑन ऑफ का, ये आप ऊपर करेंगे ऑन पे तो वीआरडी आपका ऑन हो गया और ऑफ पे करेंगे तो वीआरडी ऑफ। वीआरडी का मतलब वोल्टेज रिडक्शन डिवाइस। ये वेल्डर की सेफ्टी के लिए होता है जो कि किसी भी मशीन में काफ़ी नेसेसरी फंक्शन है, क्योंकि इससे वेल्डर जब वेल्डिंग कर रहा है तो उसको शॉक लगने के चांसेस एकदम 0% हो जाते हैं। ये मैंने आपको मशीन का फंक्शनिंग बताया, अब मैं आपको इससे वेल्डिंग करके दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा मशीन के बारे में जानकारी ये देना चाहता हूँ। जब आप मशीन को कनेक्ट कर रहे हैं और सपोज़ आपकी मशीन नहीं ऑन हो रही है, तो पहले तो आप तीनों फेज में वोल्टेज देखने के, तीनों फेज में वोल्टेज 415 420 के आसपास आ रही है कि नहीं आ रही। और मेन क्या होता है इसमें, छोटे जैसे फैन नहीं चल रहा है तो फैन को आप मशीन का कवर खोलने के बाद में आपको उसका फ़ैन के कनेक्शन चेक कर लें, जिससे कि आपको पता पड़ेगी कि फ़ैन में कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, ये हुआ नॉर्मल ट्रबल शूटिंग। अब हम आपको इससे वेल्डिंग करके दिखाएंगे। अब हम आपको वेल्डिंग करके दिखाएंगे। ये शीट के टुकड़े हैं, ये थोड़ा सा रस्टेड है, रस्टेड होने की वजह से इसमें हम थोड़ा सा हॉट स्टार्ट का इंक्रीज कर देंगे तो आपको रस्टेड में वेल्डिंग आराम से स्टार्ट हो जाएगा। मैं अभी आपको वेल्डिंग करा के दिखाता हूँ।